और आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में संदिग्ध हालात में 9 साल की बच्ची की मौत पर सियासत तेज है। कल से ही पीड़ित परिवार के घर नेताओं का तांता लगा हुआ है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। केजरीवाल ने घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। मामले की मजिस्ट्रेट जांच का भरोसा भी दिलाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने तक एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की पीड़ित परिवार से मुलाकात। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए दोनों नेता नजर आए। दोनों नेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती, और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी हम वो पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। लोग असुरक्षित भी महसूस करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता कि दिल्ली के देश के भारत की राजधानी के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमें साथ साथ अपनी कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था मतलब केंद्र के अंडर आती है, तो ऐसे में सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो भी आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। दिल्ली कैंट जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने यह आरोप भी लगाया कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें इस वक्त मदद की जरूरत है और मदद इंसाफ दिलाने की। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। हाँ, मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। मानते हैं सर, इस घटना को लेकर राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? जिस तरीके से छोटी बात, देखिए मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। धन्यवाद। तो किसी भी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी से बचते हुए राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए पहुंचे हैं और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक पीड़ित परिवार की मदद वो नहीं कर देते हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान पीड़ित बच्ची की मां ने अपनी इंसाफ की मांग को दोहराया है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ कथित रेप के मामले में परिवार न्याय मांग रहा है और माँ है मेरे साथ उनकी, और उनसे बात करेंगे कि राहुल गांधी आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ बात हुई उनसे, ये हम बात करेंगे। मैंने पूछी थी आपकी बच्ची कैसे, मैंने कहा साहब बच्ची मेरी ठीक ही, 5:30 बजे पीछे तक बच्ची ठीक ही। तब इसके पापा बोल कहे कि बेटा मैं सब्जी ले आऊँ। कहबान ने बोली, पापा ने बेटी थे कि बेटी तेरी मम्मी घर गई है,
तो मैं घर गई थी तो मुझे 2 मिनट नहीं हुई थी घर, मैं पीर बाबा पे आ गई थी, दरगाह पे आ गई थी। फिर पंडित जी आए थे, हमारे समाज भैया ने पूछी थी बच्ची की माँ कहाँ है, मैं गई थी माँ तो बिन्ने बोली थी तेरी लड़की मर गई। पुलिस आई, पुलिस ने क्या किया, क्या आप खुश हैं पुलिस की कार्रवाई? हम रो, पंडित जी ने बोला तो रोती रोती मत जाइयो, चुप जाइयो, सांस मत लिकारियो, किसी को आवाज मत सुनाइयो। हम गए तो मैं रोती जाऊं बिल्लाती जाऊं, तो बिना क्या हुआ मैंने मेरी बच्ची जला दी, पंडित जी ने मार दी मेरी बच्चा, पंडित जी ने मार दी। तो हमारे समाज भैया गए थे, तारा तोड़ा, पुलिस बुला के अग्नि को बुझा रहे थे, पुलिस वाले ने अग्नि नहीं बुझान दई, आगे बुझान नहीं दई, तो हमारे नांगल के बच्चे ने सारे समाज भैया जी ने अग्नि बुझाई, ये बहन ने मेरी बच्ची के पैर निकाले, या बहन ने आधी बॉडी जली आधी नहीं जली, आधी बच्ची के पैर जले आए, पूरा आधी जली आधी नहीं जली। जबकि पुलिस वाले देख के भी एफआईआर भी नहीं कर रहे हैं। अब क्या चाह रहे हैं, बस आखिरी सवाल, क्या चाह रहे हैं अब आगे, क्या चाह रहे हैं? मुझे मेरी बेटी का न्याय चाहिए, न्याय मेरी बेटी का। तो पीड़ित परिवार को आप सुन रहे थे, रोती बिलखती माँ इंसाफ की मांग कर रही है। दिल्ली में बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने बीजेपी पर पुलिस के जरिए मामला दबाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस शासित राज्यों में आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस को घेरा। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार के हाथ में है, पुलिस ने उस मां को बंदी बना के बिठा दिया। दिल्ली तो एक शहर का स्टेट है, कोई बहुत दूर का तो नहीं है, ना मुख्यमंत्री जी उसके आंसू पहुंचने गए, ना जो कहते थे चुनाव के वक्त कि बहनों आपका भाई बैठेगा एक आवाज लगाना, ना वो देश के प्रधानमंत्री आंसू पहुंचने गए। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हाँ, इसमें सिंपथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, ये देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में, और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है। तो 9 साल की बच्ची की रेप के मामले पर यह राजनीतिक बयानबाजी तो आपने सुन ली, लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में जांच कहां तक पहुंची और यह पूरा मामला सवालों में क्यों है, यह समझने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहले यह बताइए कि जब यह मामला सामने आया तो किस तरीके की ढिलाई पुलिस की तरफ से बरती गई, जिसे लेकर शिकायत पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है। मनोज वर्मा, मेरी आवाज मिल रही है? जी देखिए, ये बच्ची के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती। हालांकि पुलिस इस बात से बिल्कुल साफ इनकार करती है कि जब पुलिस को इस मामले की कॉल मिली थी, यानी कि आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला था वो, जी मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? मनोज तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से मनोज से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आपको समझना ये होगा कि 9 साल की बच्ची से ये कथित रेप का मामला जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मौत की वजह क्या रही ये भी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बच्ची का आधे से ज़्यादा शरीर जो है वो पहले ही जल चुका था, और परिवार की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बिना उनकी रजामंदी के जबरन बच्ची के शव को जला दिया गया। यार ऑडियो नहीं आ रहा है क्या मेरा?
हेलो। तो इस मामले पर आगे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही मनोज वर्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।